और चलिए सिवनी का रुख करेंगे, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है। जहां खेत में बने तालाब में डूबने से 3 मासूमों की मौत हो गई है। सिवनी से खबर आपको बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि जो तालाब है वो मनरेगा के तहत बनाया गया था और 2 बच्चे इस तालाब में डूब रहे थे, लेकिन इसी दौरान जब तीसरी बच्ची उन्हें बचाने के लिए जाती है और इस दौरान वो भी खुद को संभाल नहीं पाती और वो भी डूब जाती है और इस घटना में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिवनी से, जहां 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? ये जो आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है एक दुखद घटना आज फिर एक सामने आई है। कल सिवनी जिले में एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हुई थी और एक इलाज के दौरान एक व्यक्ति की और मौत हो गई थी। तो कल 5 व्यक्ति कल जो है सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई है, जो बेहद दुखद था। आज फिर एक बड़ी खबर निकल के जो सामने आई, बेहद दुखद खबर निकल के सामने आई है कि एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की जो है आज फिर एक खेत तालाब में डूबने से मौत हो गई है। ये खेत में जो है घूमने के लिए गए हुए थे कि वहीं बंधान से जो है उनका पैर स्लिप हुआ और खेत के गहरे पानी में ये डूबते चले गए। जो बड़ी लड़की इनके साथ में थी उनको बचाने के लिए वो भी उस गहरे पानी में उतरी, तो वो भी जो है इनको बचाने के कारण उसकी भी डूबने से मौत हो गई। तो एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की आज फिर दुखद मौत हुई है, जो बेहद जो है इस समय पूरा गमगीन माहौल उस क्षेत्र में बना हुआ है, गाँव में बना हुआ है। बेहद बड़ी घटना निकल के सामने आई है। जी जय जी। चलिए शुक्रिया आपका जितेंद्र जी जानकारी देने के लिए।